उत्तर प्रदेश में मॉनसून का असर अब थोड़ा कमजोर पड़ने लगा है। अगस्त के महीने में राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, लेकिन महीने के अंत में उमस भरी गर्मी ने लोगों को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है, जिनमें मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बरेली और बिजनौर शामिल हैं। हालांकि भारी बारिश की संभावना फिलहाल कम ही नजर आ रही है। पूर्वी यूपी में धूप के कारण तापमान में थोड़ा उछाल देखने को मिलेगा। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर सहित कई जिलों में शुक्रवार को धूप के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को खूब सताएगी। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि सितंबर महीने से मॉनसून फिर से सक्रिय होगा और राज्य में रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। गुरुवार को बरेली, नोएडा, लखनऊ सहित कई जिलों में बारिश हुई, जबकि वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में दोपहर बाद काले बादलों की हलचल जरूर दिखी, लेकिन बारिश की बूंदें नहीं गिरी। वहीं सोनभद्र के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम की इस अनिश्चितता के बीच यूपी के लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। सितंबर के पहले सप्ताह में बारिश की वापसी की उम्मीद है, जिससे तापमान में गिरावट और राहत की उम्मीद की जा रही है। मॉनसून के इस कमजोर दौर के बावजूद आगे आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। यह है यूपी के मॉनसून का ताजा हाल, जहां उमस भरी गर्मी और रुक रुक कर होने वाली बारिश ने लोगों को असमंजस में डाल रखा है। उत्तर प्रदेश में अगली बारिश की संभावना पश्चिमी हिस्सों में 30 अगस्त को है। इसमें मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बरेली और बिजनौर जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि भारी बारिश की संभावना फिलहाल कम है। सितंबर के पहले सप्ताह से मॉनसून फिर से सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे पूरे राज्य में रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।